बैक टू माई चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हम लोग वीडियोस ला रहे हैं अभी, और एक्चुअली मैं अकेला काम करता हूँ तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, पर आपका जो प्यार मेरे तरफ मतलब आपने दिखाया है बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए दोस्तों, है ना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें जिनकी ज़रूरत है ना। और एक चीज़, अगर आपको मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे, मैं आपको नंबर अभी बता देता हूँ, 7550894483। आप इसमें व्हाट्सएप करिए और जो भी आपके प्रॉब्लम है आप उसको मुझे एसएमएस करिए, मैं आपको सॉल्व आउट कर दूंगा, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, वीडियो पसंद आता लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BGC 132 Block 1 Unit 4 Part 4, ठीक है, इसको कवर अप कर रहे हैं हम लोग, BEGC, ठीक है, 132 का। ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट कवर अप करेंगे ताकि आपको आसानी हो और इतना बड़ा वीडियो ना बने, ठीक है। आजकल वीडियो तो आप देखना भी मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है आपके पास में, तो थोड़ा सा में आप निपट जाएंगे, है ना। तो शॉर्ट समरी है, हिंदी में लाइन टू लाइन हम करेंगे नहीं, जो जो जरूरत है वही करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अक्का माधवी के बारे में देखेंगे। अक्का माधवी एक सेंट थे, पोएट थे, जो कि कन्नड़ा में लिखते थे, ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ 12th century से बिलोंग करते थे वो। अक्का मतलब क्या होता है कन्नड़ा में, इसको एल्डर सिस्टर कहा जाता है। अक्का माधवी जो है वो एक पोएटी नहीं थी, बल्कि क्या कहते हैं, मिस्टिक और सोशल एक्टिविटीज एक्टिविस्ट भी थी, ठीक है, मतलब सोशली काम करती थी, ठीक है। और शी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बासवन्ना, ठीक है, द फाउंडर ऑफ सेक्ट वीर सैवजम, ठीक है। वीर सैवजम को जिन्होंने फाउंड किया था, उनका नाम था बासवन्ना, और उनको ही फॉलो करते थे ज्यादातर, ठीक है। वीर सैवजम, वीर सैविस्ट क्या है, इनको आजकल लिंगायत भी कहा जाता है। वीर सैवजम बेसिकली क्या है, ठीक है, वीर सैवजम हैज बीन अ रिफॉर्मेटरी सोशल रिलीजियस मूवमेंट। ये एक बहुत, वीर सैवजम थी एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट थी, बहुत बड़ी मतलब बहुत रिफॉर्म लाया था ये, ठीक है। फ्रॉम हर चाइल्डहुड शी वाज इनिशिएटेड इनटू द वर्शिप ऑफ शिवा। बेसिकली क्या है, तो वीर सैवजम जो होते हैं ये शिवा के मतलब शिव जी के वर्शिप करते हैं, शिव जी को वर्शिप करते हैं, ठीक है। वो और जो अक्का माधवी थी वो बहुत ही मतलब डिवोटेड थी, ठीक है, अपने शिव जी के प्रति, ठीक है। और जो फॉर्म वो शिव जी को मानती थी जिस प्रकार से, उसका नाम हम लोग कहते हैं, उस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उस फॉर्म को हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि चेन्ना मल्लिकार्जुना, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल लॉर्ड, व्हाइट एज जैस्मिन, जैस्मिन की तरह पूरा एकदम सफेद प्योर, ठीक है। इसके इनके जो अक्का माधवी के जो पोएट्री है, नीचे हम लोग पढ़ेंगे, उस पोएट्री में भी हमको देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे शिव जी को मतलब बताया गया है, ठीक है, वो देखेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है उतना है नहीं, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे कि देखते हैं कि वो भगवान को इस तरह से मानना चाहते हैं, वो ज्यादातर ना रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, जो नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं ना हमारे, जैसे कि हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, ये वैसे भी शिव जी ये सब चीज को पसंद नहीं करते, नॉर्मल रहते, पता ही आपको, है ना, ठीक है। तो लॉर्ड को जो हम लोग मानते हैं पूरी तरीके से मानना, दिल से मानना, ठीक है, ऐसा नहीं कि पुष्प वगैरह चढ़ा दो, उसके बाद खाने के लिए दे दो प्रसाद उसाद वगैरह, ये सब रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बॉन्ड होता है, मतलब माइंड से माइंड का, आत्मा से आत्मा का मेल होता है भगवान के प्रति। तो इसी चीज को उन्होंने, ठीक है, मतलब उठाया है, बताया गया है, ठीक है। बेसिकली वो कहा जाता है, मतलब रिपोर्ट आती है कि उनका कैसे कि जैन किंग से उनका शादी हुआ था, ऐसा कुछ कहा जाता है, पर ऐसा कुछ मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। वो जो लाइफ बिताती थी बेसिकली वो वैंडरिंग लाइफ बिताती थी, मतलब यहाँ से वहां जाना इन सर्च ऑफ शिवा, ठीक है, मतलब वर्शिप, मतलब शिवा को सर्च करना, वर्शिप करना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे वो अपने, जैसे ही लास्ट टाइम में जाती गई, अपने लास्ट लेटर ईयर्स में वो केव में चली गई, ठीक है, अर्ली लाइफ मेंटेन करने लगी, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, कपड़े उपड़े सब कुछ, है ना, धीरे 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 धीरे, ठीक है। उनके बदले में वो, है ना, कपड़े उपड़े भी उन्होंने त्याग दिए थे, फिर उन्होंने ऐसे बड़े बड़े बाल रखने शुरू कर दिए, देखो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो देखो कपड़े उपड़े त्याग दिए, यहाँ पे देख सकते, तो ये बड़े बड़े बाल उन्होंने रखे हैं, ठीक है, ताकि ये जो पूरे उनके बदन को ढक सके ऐसे, है ना, ताकि दूसरे मेल गेज जो भी है, जो लड़के हैं, उनको मतलब उनकी कोई मतलब दृष्टि ना पड़े, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो वो भगवान को ज्यादातर मानती थी, ठीक है, वो लॉर्ड को व्हाइट एज जैस्मिन भी मानती थी, मतलब प्योर, है ना। तो ये बहुत सारे मतलब अपने आप को मतलब इस जगह पे ले जाना एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, वो पूरी तरह से डिवोटेड थी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारे हार्डशिप्स आए, पर जर्नी उनकी फाइनल जो गोल थी भगवान को पाने की या फिर मोक्ष प्राप्त करने की, वो हो चुकी थी, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं।
वहां पे देख सकते हो उन्होंने पूरी अपनी जो मतलब भगवान के प्रति जो उनको उनका कहना था, ठीक है, वो वकनास में कहा है उन्होंने, वकनास में, ठीक है, सेइंग्स इन रिदमिक कन्नडा प्रोज, ये एक मतलब कथन है जो कि कन्नडा में लिखा गया है, ठीक है, इंटेंस फीलिंग के साथ लिखा जाता है, डीप इनसाइट मतलब अंदर से मतलब भावना के साथ लिखा जाता है, ठीक है, उन्होंने लिखा था। हम बता सकते हैं, देखिए एक वकना होता क्या है, काइंड ऑफ फ्री वर्स और प्रोज पोएम विथ रिदमिक स्ट्रक्चर स्पेशली एविडेंट इन सेंटेंस पैटर्न्स। बेसिकली ये सेंटेंस पैटर्न में होता है, रिदमिक होता है, मतलब मेल खाता है, लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं मेल खाते हैं, ठीक है। दिस वकनास आर गुड एग्जांपल्स ऑफ द टोटल डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। हाँ, मतलब ये वकना का मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो मतलब सिर्फ कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई कस्टम नहीं, कोई रिचुअल नहीं, सीधी तर भगवान के साथ में सीधी भक्ति, ठीक है, वन टू वन कनेक्शन, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं हम। तो देखो धर्मा और भक्ति में फर्क होता है। धर्मा में कहा क्या जाता है कि मतलब डिवोशन टू गॉड विथ ऑल द रिचुअल्स, ठीक है, सारे रिचुअल्स को मेंटेन करते हुए जो भी करते हैं उसको धर्मा कहते हैं, और भक्ति कहते हैं कि पूरी तरह से भगवान के प्रति मोक्ष हो जाना, ठीक है, भगवान के प्रति इनर डेप्थ, इनर से डिवोशन करना, इनर मतलब दिल से एकदम भगवान के प्रति जो जागरूकता होती है उसमें आप अगर करते हैं तो वो क्या होता है भगवान के प्रति, तो वही होता है आपका एक भक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत सारा है उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे, बाकी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। अक्का महादेवी के बारे में अगर आता है तो आप लिख सकते हैं, तो उन्होंने क्यों त्याग दिया था, यहाँ पे लिखा है व्हाई डू यू थिंक अक्का महादेवी गेव अप वेयरिंग क्लोथ, तो वो समझते थे कि यार इन सब में कुछ मतलब मोक्ष शुक्स नहीं रखा हुआ है, कपड़े उपड़े तो कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है, ऐसा नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, तो इनको हटाओ, ऐसा है ऐसा है, तो वो जो बने हुए चीजें हैं अर्थली चीजें हैं, तो अर्थली चीजों को हटाना चाहते थे वो, ठीक है। उनकी जो वकनास है बेसिकली तीन चीजों पे बात करती है, लव फॉरबिडन, लव इन सेपरेशन, लव इन यूनियन, ठीक है। और इन्होंने अग्नि के बारे में भी कहा, अग्नि को भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिया, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम जो अभी आने वाले हैं उसमें, ठीक है। द पोएम बाय वकना बाय अक्का मारियो, देखिए आई लव द हैंडसम वन, यहाँ पे शिवा के बारे में कहा जाता है कि मैं उनसे बहुत प्रेम रखती हूँ, ही हैज नो डिके नॉर फॉर्म, नो प्लेस और साइड, नो एंड और बर्थ मार्क्स, आई लव हिम ओ मदर, लिसन, आई लव द ब्यूटिफुल वन विथ नो बॉन्ड नॉर फियर, नो काम, नो लैंड, नो लैंडमार्क्स फॉर हिज ब्यूटी, सो माई लॉर्ड व्हाइट एज जैस्मिन इज माई हस्बैंड, टेक दिस हस्बैंड हु डाइड डिके एंड फीड देम टू योर किचन फायर्स, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है। तो ये चीज लाइन्स आपको जरूर याद रखने, यहाँ से लाइन्स पुट आउट कर देंगे, आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे पोएम के बारे में कहा गया कि देखिए यहाँ पे शिव जी को कहा गया कि डीटी मतलब सिंपल पोएम है, इसमें कोई क्रिटिकल है नहीं। यहाँ पे क्या किया कि बेसिकली क्या बोला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सिंपल पोएम है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ शिवा, यहाँ पे शिवा जी का डिस्क्रिप्शन बताया गया कि वो कैसे हैंडसम है, इमोर्टल है, ठीक है, उनकी कोई डेथ नहीं है, ठीक है, उनकी जो और जो पोएट है उनका जो लव है अनमीडिएटेड है, जिसमें कोई कस्टम ट्रेडिशन कन्वेंशन नहीं होता है, हाँ, रिचुअल्स नहीं है, स्यूडो रिलीजियस चीज फॉर्मेलिटीज नहीं है, सी लव्स हिम फॉर हिज ब्यूटी, वो अपने वो जो भगवान को प्यार करते हैं उनकी ब्यूटी के लिए, ब्यूटी मतलब ये नहीं कि फिजिकल हो, ठीक है, क्योंकि शिवा को किसी ने देखा नहीं, फिजिकल तो आप नहीं, आपके मन में जैसा इमेजिनेशन आता है आप उस हिसाब से उनको मानते हो, ठीक है। तो उन्होंने इसमें कंपेयर भी किया है, किसको, शिव जी को कंपेयर किया है किसके साथ में, व्हाइट जैस्मिन के साथ में। बेसिकली व्हाइट जैस्मिन क्या है, दिस फ्लावर इज एसोसिएटेड विद लव, व्हाइट जैस्मिन मतलब लव के साथ सिंबलाइज किया जा सकता है इसको, ठीक है, इनकी ब्यूटी और सेंसुअलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कल्चर में बेसिकली हम देखेंगे ये गुड लक भी चार्म भी कहा जाता है, इनको रिलीजियस पर्पसेज में, सेरेमनीज में प्योरिटी और मतलब प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद भी ये कहा गया था, हियर द पोएट्स एसोसिएट जैस्मिन विद व्हाइट कलर, व्हाइट जैस्मिन फ्लावर्स आर मोस्टली यूज्ड इन आर्ट एंड लिटरेचर एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। व्हाइट जैस्मिन फ्लावर्स आर ऑफन यूज्ड इन वेडिंग सेरेमनीज वेयर दिस सिंबलिक मीनिंग्स आर परफेक्ट फॉर द ओकेशन, मतलब बेसिकली व्हाइट जैस्मिन को किस मतलब यहाँ पे क्यों अक्का महादेवी ने कहा देखिए कि उनके साथ में वो एक तालमेल करना चाहती है, तो व्हाइट जैस्मिन को इसलिए उन्होंने लगा कि एक तो प्योर है, साथ में शादियों में अच्छे अच्छे ओकेशन में ये यूज होती है, ठीक है। हेंस व्हाइट जैस्मिन इज फॉर अक्का महादेवी नन अदर देन शिवा, तो मतलब व्हाइट जैस्मिन को सिर्फ शिवा को ही वो रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी और किसी चीज को नहीं, ठीक है। लास्ट के थ्री लाइन जो है उसमें अग्नि को मतलब मेन चीज को मतलब दिखाया गया है, द लास्ट थ्री लाइन स्टार्टिंग है रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, द पोएट ब्रिंग्स इन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इमोर्टल लॉर्ड शिवा, यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट किया गया है, इमोर्टल लॉर्ड शिवा होम शी रिगर्ड्स अदर हस्बैंड एंड मॉर्टल ह्यूमन बींग्स, मतलब दोनों में कंपेरिजन किया गया है कि इमोर्टल लॉर्ड शिवा है और जो मरने वाले जो हस्बैंड से नॉर्मल जो मरते हैं वैसा कुछ है ना, हु डाई एंड डिके आर कंसाइन टू फायर्स,
देखो फायर में मतलब जो भी मतलब कहा गया कि हे भगवान मैं आपसे प्यार करता हूँ आप इमोर्टल हो, ऐसे नॉर्मल वाले मुझे नहीं चाहिए जो मर जाते हैं फायर को मतलब चढ़ जाते हैं। फायर इज नोन एज अग्नि द वैदिक गॉड ऑफ हिंदुइज्म। अग्नि इज अ सिंबल ऑफ पीटी एंड प्योरिटी। देखो अग्नि को भी पीटी एंड प्योरिटी कहा है यहाँ पे महादेवी वर्मा ने, सॉरी अक्का महादेवी ने, ठीक है सॉरी महादेवी वर्मा तो राइटर है सॉरी, ठीक है। अग्नि इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टू काइंड्स ऑफ एनर्जी। अग्नि बेसिकली लाइट एंड हीट को प्रतीत करते हैं, सिंबल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। द मॉर्टल बींग्स कंज्यूम्ड बाय फायर्स इज अ रेफरेंस टू देयर बींग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ग्रॉस टू द सबटल डिस्ट्रॉइंग द इग्नोरेंस एंड डिल्यूजंस। बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, दोनों पैराग्राफ मिलकर यहाँ पे कहा गया कि अग्नि एक ऐसा है, ठीक है, अग्नि आपको जो है मतलब मॉर्टल लोगों को ले लेती है अपने अंदर में, उसके बाद नए जीवन देने की कोशिश करती है। अगर मर गया उसके बाद खत्म, उसकी सारी आत्मा डेड बॉडीज वगैरह बॉडीज भी जो भी खत्म, हम नए जन्म के लिए एक राह दिखाना, ठीक है। यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे अग्नि को देखो तीन टाइप के तरीके में बताया गया। द क्रोध अग्नि, आदमी के अंदर में तीन चीज होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर में, क्रोध अग्नि, फायर ऑफ एंगर, द कर्म अग्नि, फायर ऑफ पैशन एंड डिजायर, एंड उदार अग्नि और फायर ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, हर एक आदमी के अंदर में ना ये चीज होती है, ठीक है, कि अग्नि हर एक आदमी, किसी को क्रोध अग्नि होता है, फायर ऑफ एंगर होता है किसी के अंदर में बहुत ज्यादा, ठीक है, कर्म अग्नि होता है जो कि आदमी काम करने के प्रति ज्यादातर मतलब क्या होता है डिवोटेड रहता है। उसके बाद में उदार अग्नि मतलब फायर ऑफ डाइजेशन, मतलब क्या होता है अग्नि एक उदार है जो कि कंज्यूम कर लेता है मॉर्टल बींग्स को जो मर जाते हैं या फिर देखो डिके हो जाता है ना, फिर महकता है वो सब करता है, डेड बॉडी होता है तो उसको हम जला देते हैं तो अच्छा हो जाता है, या फिर मान के चलो कि एक अच्छा सा मतलब रिसाइकल हो जाता है ना, लाइफ रिसाइकल हो जाती है। लास्ट में देखो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड देम टू किचन फायर्स इज अ रेफरेंस टू प्यूरिफाइंग द मॉर्टल बींग्स थ्रू फायर। मतलब यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे मॉर्टल बींग्स को जो भी मरने वाले आदमी को इसको प्यूरिफाई कर किया जा रहा है फायर के थ्रू से, ठीक है, उसका हम जला रहे हैं तो उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। अग्नि के दो फॉर्म है, जातवदा एसोसिएटेड विद नॉलेज एंड ब्राह्मण एंड क्रव्यदा द फायर दैट क्रिमेट्स द फिजिकल बॉडी एंड फ्यूनरल फायर दैट रिसाइकल्स टू रिबॉर्न। बताया मैंने कि देखो एक होता है कि जातवद अग्नि के दो फॉर्म्स होते हैं, एक जातवद जिसको हम नॉलेज और ब्राह्मण के साथ में रिलेटेड करते हैं, और क्रव्यदा मतलब क्या होता है कि इसको हम मतलब ये अग्नि वो होती है जो डेड बॉडीज को जलाती है, फिजिकल बॉडी को जलाती है ताकि उसको रिसाइकल कर पाए रिबॉर्न के लिए, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक मतलब पूरी डिजायर कंप्लीट नहीं होती या फिर सारे फॉर्म, देखो यहाँ पता है ए प्रोसेस दैट कंटिन्यूज टिल सच टाइम ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ फायर विद इन वन सेल। मतलब ये प्रोसेस रिबॉर्न का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक तीनों टाइप के अग्नि, क्रोध अग्नि वगैरह, फायर ऑफ अंगर, फायर ऑफ पैशन एंड डिजायर, जब तक एक साथ नहीं हो जाते, ठीक है, और जब तक प्यूरिफाइड नहीं हो जाता, जब तक आपकी स्पिरिट प्यूरिफाइड नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा रिबॉर्न का प्रोसेस। जैसे प्यूरिफाइड हो गया फिर वो आराम से नए जीवन में मतलब एक आ जाता है, ठीक है। तो अग्नि को भी इंपॉर्टेंट दिया गया है एज वेल एज व्हाइट आपका जैस्मिन को भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कंपैरिजन का, देखो व्हाट अकॉर्डिंग टू अक्का माधवी द डिफरेंस बिटवीन शिवा एंड मॉर्टल हस्बैंड। अब आसानी से लिख सकते हो आप लोग के शिवा और मॉर्टल हस्बैंड के बाद में, तो शिवा तो इमॉर्टल है और इमॉर्टल और मॉर्टल हस्बैंड के बारे में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही पार्ट हम लोग कवर अप कर रहे हैं इसी के साथ, ठीक है, ये पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि पार्ट लास्ट होने वाला है, मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मीराबाई के बारे में आता तो आप जानते ही हैं, बाकी थोड़ा सा और जान लेंगे, ठीक है। तो उसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, साथ साथ में आपसे ये रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप देखते हैं चैनल को, ठीक है। तो यार एक ही तो बटन प्रेस करना है बस, सब्सक्राइब का बटन प्लीज प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पहले दे दिया, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए तो, ठीक है, और बस थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, लिखिए आंसर्स को, आ जाएगा आराम से, मैं क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। और जय हिंद, अच्छे से रहिए, खुश रहें।